इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के रिप्रेजेंटेटिव सी स्टार्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे गैसेस न्यूट्रेंट्स मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि सी स्टार की बॉडी में प्रोड्यूस होंगे दे आर ट्रांसपोर्टेड टू आर ट्रांसपोर्टेड इन सिलोम विद द हेल्प ऑफ ए मेकानिजम नोन एज डिफ्यूजन एंड बाय द एक्शन ऑफ सिलिएटेड सेल्स दैट आर लाइनिंग द बॉडी कैविटी अब गैस एक्सचेंज और जो एक्सक्रीशन है मेटाबॉलिक वेस्ट की प्रिंसिपली क्योंकि ये एनिमल्स दे आर लिविंग इन मैरीन वाटर तो अक्वेटिक कंडीशन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है मोस्टली इट इज अमोनिया दिस विल टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द डर्मल ब्रेंकिया ट्यूब फीट एंड अदर मेमरेनियस स्ट्रक्चरस दैट आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ सी स्टार्स अब जो रेस्पेरेशन है जो या गैस एक्सचेंज है दिस अकर्स इन टू लोकेशन इन सी स्टार्स फर्स्ट लोकेशन जो है दैट इज थ्रू द स्किन स्किन जो है इसके अंदर थिन है ऑन द एंड ऑफ द ट्यूब फीट अब गैस एक्सचेंज ऑल्सो अकर्स इन दर्मल गिल्स आर द पेपुलर अब ये गिल्स जो है दे आर लाइंड विद Cilia, cilia will move to produce a current. Now, this brings the fresh water so that sea star can absorb oxygen from that water into the surrounding water that enters the body through the medullary or just they take out the carbon dioxide produced inside the body of the animal. अलॉन्ग विद द वाटर दैट इज मूविंग आउट द बॉडी इसके अलावा गैसिस एक्सचेंज में जो दूसरा सिस्टम हेल्प करता है देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट देयर इज अनदर सिस्टम इन द बॉडी ऑफ सी स्टार्स दैट इज हेल्पिंग इन दिस गैशियस एक्सचेंज प्रोसेस उस सिस्टम को हम कहेंगे हीमल सिस्टम अब यह हीमल सिस्टम जो है दिस कंसिस ऑफ strands of tissues that are encircling the mouth near the ring canal and then they extend aborally near the stone canal and run into the each arm near radial canals through this diagram we can elaborate this gas exchange in starfish there are two mechanisms through which this process of uh, gas exchange will take place. One is through the thin skin. Here is thin skin that is at the tube feet. Water will enter when water is entering the mouth. It is carrying the oxygen. As this water outside the body of the starfish will have a lot of oxygen. This oxygen will enter into the body and when the water leaves the body this will take out the carbon dioxide that is produced inside the body as a result of metabolic exchange another is through the gills these gills they are also helpful in gaseous exchange in starfish